से। अस्सलाम वालेकुम मरियम, क्या हाल है आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक, आप सुनाए? मैं भी बिल्कुल ठीक। आजकल के खूबसूरत मौसम में आप सुनाए, कैसे गुजर रही है आपकी जिंदगी? बस अल्लाह का शुक्र सब बहुत अच्छा चल रहा है। और आज टिकटिकी वालों ने मुझे बुला लिया, पता नहीं कब से नजर जमा के रखी हुई थी मुझ पे, और मैं अब तब से डर रही हूँ कि पता नहीं ये मुझसे क्या पूछेंगे, क्या करेंगे, क्या होगा मेरे साथ आज यहाँ पर। ये तो वक्त बताएगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि टिकटिकी की टीम ने यहाँ पे बहुत टाइम से नजर रखी है एंड आई एम वॉचिंग यू। सो सुनाइए, आपका करियर बड़ा मजे का रहा, यू स्टार्टेड फ्रॉम सिटी और माशाल्लाह आपने बहुत ज़्यादा काम किया और बहुत जगहों पे गई, हम GNN और भी बहुत सारे चैनल्स पे आपने काम किया। लेकिन बड़े मज़े का मेरा एक सवाल है कि यू स्टार्टेड फ्रॉम रिपोर्टर, राइट, एज एन रिपोर्टर। सो रिपोर्टर से एंकर की जो एक वो थी लाइफ, वो कैसे चेंज किया आपने एज एन रिपोर्टर पे, न्यूज़ एंकर कैसे? अच्छा, मुझे शुरू से शौक था कि मैं न्यूज़ एंकरिंग की तरफ जाऊँ, बट चांस मुझे मिला न्यूज़ रिपोर्टिंग में तो मैंने कहा ठीक है भाई, घुसो तो सही मीडिया में, किसी तरह एक्सपीरियंस तो गेन करो ना। तो मैंने फिर स्टार्ट कर दिया और रिपोर्टिंग से, और ये मेरा प्लस पॉइंट था कि मैंने अच्छा किया स्टार्ट किया वहाँ से, क्योंकि उससे मुझे एक्सपीरियंस इतना अच्छा मिला लोगों को हैंडल करना, डिफरेंट तरह के लोगों के साथ बातचीत करना, कैसे हैंडल किया जाता है, कैसे टैकल किया जाता है, और कैमरे के साथ जो वो इंटरेक्शन बन जाती है ना, एक शर्म, वो सब खत्म हो गई थी। तो फिर उसके बाद जब एंकरिंग में स्विच किया तो मुझे अभी भी याद, मैंने बहुत मेहनत की थी। मैं सुबह 8 से 6 बजे तक फील्ड में होती थी और 6 से रात 10 बजे तक स्टूडियो में आके प्रैक्टिस करती थी, देन उसके बाद घर जाती थी। 2 महीना मैंने अपने जो मेरे वीकली ऑफ होते थे वो भी नहीं किए थे, किस तरह मैं ट्रेनिंग ले लूँ एंकरिंग की, और देन उसके बाद मैं ऑनर हो गई। बिल्कुल एग्जैक्टली, लोग कहते हैं मेहनत का फल मिलता है, देख भी रहा है कि कितना मेहनत का फल मिला है। और आइए अब तो आप इनसे बातें करेंगे कि कैसे ये लोगों को टैकल करती थी, इन द वे विच वे, इन द गुड वे और इन द बैड वे, तो वो भी गपशप लगती रहेगी। और पूछते हैं कि कैसा रहा न्यूज़ का एक्सपीरियंस, फिर उसके बाद जो इनका वो रहा बाहर का एक्सपीरियंस रहा, सारी चीज़ों की बातों शातों का, तो करते हैं इनके साथ गपशप। अच्छा, वैसे मैंने सुना है आपको बहुत सारे शौक हैं, सो मल्टीटास्कर यू आर, सो कैसे कर लेती हैं इतना सब? ऐसे ऐसे, वाह ये बड़ा अच्छा जवाब था, ऐसे ऐसे कैसे, थकती नहीं? नहीं। टाइम कैसे निकालती है इतनी सब चीजों के लिए ओवरऑल, लाइक कर लो जैसे कि यू आर डांसर, गुड डांसर, आई हेयर्ड अबाउट दैट। नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं प्रॉपर डांस करती हूँ, डांस प्लेटफॉर्म्स पे नहीं करती, वैसे मुझे शौक है। नहीं, जरूरी नहीं होता, मतलब लाइक रिहर्सल्स के लिए जाती हूँ या शायद शो के लिए। कोई रिहर्सल्स नहीं, मैं जिम करती हूँ, जिम में एरोबिक्स होते हैं, वो इट्स द पार्ट ऑफ जिम। हाँ हाँ, इट्स द पार्ट ऑफ जिम, और वो एक अलग चीज़ है, तो वो वहाँ पर वर्कआउट होता है, एरोबिक्स होता है, तो वहाँ पर मैं सबसे आगे होती हूँ एरोबिक्स करवाने में, क्योंकि मुझे स्टेप्स ज़्यादा जल्दी याद हो जाते हैं और ज़्यादा जल्दी मैं सीख जाती हूँ, तो मैं बाकी सब मुझे फॉलो कर रहे हो तो मैं आगे खड़ी होती हूँ, तो उसमें भी मज़ा आता है बस। जी मज़ा तो आता है जिम में और एरोबिक्स करते हुए, तो वो तो ज़्यादा ही मज़ा आता होगा, थकावट भी होती है। और सिंगिंग यू आर, मतलब आप गाना बहुत अच्छा गाती है ये भी मैंने सुना है, तो वो भी सुनना। आपने किससे सुन लिया ये सब कुछ? देखिए फिर वही बात है, आपने कहा था टिकटिकी मुझे बड़े नजर लगा के बैठी हुई थी आप पे, तो ऑफ कोर्स फिर आपके बारे में इन्फॉर्मेशन। आपको कौन है जो अंदर की खबरें देता है, मुझे बताइए कौन अंदर की खबरें दे रहा है? ये मेरा एक नुमाइंदा है, मैंने एक बर्ड पाली हुई है, उसको ना मैं टिकटिकी कहता हूँ, उसने सारे कबूतर जा जा जा, तो ये टिकटिकी जा है, टिकटिकी जा 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 जा। सो ये सारा क्राइटेरिया तो चलता रहा लाइफ का, अप एंड डाउन भी आते रहे। सिटी में कितना अर्सा गुजारा? 1.5 साल। साल, एक साल रिपोर्टिंग में, देन उसके बाद 6 महीने एंकरिंग में, देन स्विच कर लिया था मैंने 7 न्यूज़ पे। 7 न्यूज़ पे, सो कैसा रहा ऑल एक्सपीरियंस इन द सिटी एज इन 1 ईयर एज एन न्यूज वो रिपोर्टर, फिर उसके बाद न्यूज कास्टर, फिर एज एन एंकर पर्सन, लाइक ऑल प्रोसेस कैसे गुजरा? बहुत हेक्टिक भी था और बहुत ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़ती थी, शिफ्ट्स आपकी चेंज होती थी और फैमिली को आप टाइम नहीं दे पाते, आपकी कोई सोशल लाइफ खत्म हो जाती है, सबसे जो बड़ा एक नुकसान होता है कि आपकी सोशल लाइफ नहीं रहती है, लेकिन फिर भी अब जॉब कर रहे हैं तो करना तो है ही, तो फिर करती थी। सो जॉब तो करने के साथ साथ आपने कहा लाइफ को हेक्टिक था, तो फिर वही बात आती है कि आपने जब टाइम दिया, आप बहुत अच्छे से न्यूज़ में, माशाल्लाह यू आर वेरी गुड इन न्यूज़ एंकर, सो कैसे सोच कैसे आई एज ए न्यूज़ एंकर बनने की? रिपोर्टर तो आप बन चुकी थी यार, चलो लाइफ का एक चांस मिल गया था तो कर लिया, रिपोर्टिंग से चांस कैसे सुई दिमाग किया कि ओके आई विल बिकम अ न्यूज़ एंकर? अच्छा, वो एक चार्म होता है, टीवी स्क्रीन पे लोग आपको देखते हैं, आप फुल मेकअप में बैठे होते हैं, आपका हेयर डू होता है, प्यारे लग रहे होते हैं, जैसे मैं अभी लग रही हूँ। यस नो डाउट लग रही है, बहुत प्यारी, पर मुझसे कम
चलो ठीक है मान लेती हूँ। एक चार्म था, ग्लैमर था, और ये कि आपको फेम मिलता है, लोग आपको जानते हैं, तो बस उसी मैंने कहा चलो मैंने भी न्यूज़ एंकर बनना है। और रिपोर्टिंग में थोड़ी सी ख्वारी होती है, बाहर घूमना पड़ता है, सर्दी हो, गर्मी हो, तूफान है, बारिश है, या फिर कोई एहतजाज है जहाँ पे धुआं है इतना ज़्यादा, तो फिर ये कहा ये इन हाउस जॉब थी और सुकून वाली जॉब थी, स्टूडियो में बैठ के काम करना है आपने। नो, एंकरिंग में भी समटाइम्स ये था कि बाहर फील्ड में जाके काम करना पड़ता था, बट रिपोर्टर्स की तरह नहीं, वो एक एंकर्स का शशका और होता है ना। एग्जैक्टली, वो रिपोर्टर्स वाला एक अलग है, एंकर्स वाला। सो ब्यूटी कॉन्शियस तो एवरी गर्ल लाइक उसका एक भाग है, वो मैं कहता होता हूँ। सो ब्यूटी कॉन्शियस तो आप हो, ठीक है, और जो एक साल आपने गुजारा, आपको कभी सोचा नहीं कि मैं जो न्यूज एंकर बने, क्योंकि आपने सोच तो लिया था, मेरे सवाल मतलब एज इन, क्योंकि कभी डैमेजेस और इन चीज़ों का डर? यस, मेरी स्किन डैमेज होती थी, लेकिन मैं उसका बहुत ख्याल करती थी, सनब्लॉक यूज करती थी, मंथली फेशियल करवाती थी, सिर्फ ये सोच रही कि मैं बहुत कॉन्शियस रही हूँ हमेशा से कि मेरी स्किन खराब ना हो जाए, तो मंथली फेशियल करवानी है, क्रीम मैंने नाइट क्रीम यूज करनी है, मैंने सनब्लॉक यूज करना है डे टाइम पे, दो बार मुंह धोना है, ऑफिस जब आना है मुंह धो के दोबारा सनब्लॉक लगा के बाहर जाना है ताकि मेरी स्किन ठीक रहे। तो ये नॉर्मली ऐसे करती हैं आपकी स्किन ठीक, तो भाई जो इनकी फैंस हैं लड़कियां वो भी देख लें, ऐसे रूल करेंगी तो आपकी स्किन भी बेहतर रहे। सनलुक जब आप लगाएं तो मतलब लाइक वो सिर्फ 3 आवर्स के लिए होता है, उसके बाद फेस वॉश करें, दोबारा अप्लाई करते हैं, ठीक है। सनब्लॉक जरूर लगाएं, देख लें, ये अच्छी टिप मिली है और ये मैं भी फॉलो करूंगा अपनी स्किन को ठीक करने के लिए। अच्छा, इसके अलावा आपकी लाइफ में, मैंने आपकी कॉलेज लाइफ के बारे में भी कुछ लोगों से बातें की, आपके फ्रेंड्स से और आपकी यूनिवर्सिटी लाइफ की भी, मैंने सुना है आप बड़ा मार धाड़ करती थी लड़कों के साथ। कौन से फ्रेंड्स थे लेकर आओ सामने मेरे, मैं उनको जरा मार धाड़ करूँ, उनको बताती हूँ कौन से फ्रेंड्स थे। अच्छा, मैंने एक और सवाल सुना कि आपका लड़कियों से, लड़कियों की जगह लड़कों के साथ दोस्ती होती थी और आप लड़कों को लड़कियां बना के घुमाती थी अपने साथ, ये क्या सीन था? यूनिवर्सिटी में ऐसा था कि लड़कों से मेरी दोस्ती होती थी, तो मैं उनके साथ बिल्कुल ऐसे थी जैसे मैं लड़का हूँ या जैसे वो लड़की हैं, तो हम इकट्ठे बैठ के लड़कियां ताड़ते थे। लड़कियां भी ताड़ती थी, वाह, लड़कियों बच्चों इनसे ये ताड़ती हैं और लाइक में मेरे दोस्त होते थे ना, तो हम इकट्ठे बैठ के यार वो देख, यार वो वाली लड़की देख, यार वो लड़की देख, तो हम इस टाइप की मस्तियां किया करते थे। अभी 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 मेरी एक कुछ दिन पहले मैंने अपनी एक फ्रेंड है, उनके बारे में भी एक सोशल वो हुआ था, कोई एक बकवास शुरू हुई थी कि शी वाज इंटरेस्टेड इन गर्ल्स, तो क्या आपको उनके साथ कोई ताल्लुक? इट्स नॉट लाइक दैट, नो नो नो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन गर्ल्स, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, वो सिर्फ एक एंजॉयमेंट होती थी, चूंकि लड़के दोस्त उनके साथ मैं बिल्कुल एक लड़का बन के ऐसे लड़के की तरह रहना, और उन्होंने मेरे साथ लड़कियों की तरह रहना है, वो मेरी सहेली और मैं उनका दोस्त, ये सीन होता था। That is a very good, कि एक लड़के से तो हम पूछ नहीं सकते कि आप लड़की में क्या ताड़ते हैं, तो वो इधर उधर का जवाब देते थे, अब आप तो पकड़ ही गई, आप लड़की में क्या ताड़ती थी, लड़कों का तो समझ आती है क्या ताड़ते थे क्या नहीं, आप क्या ताड़ती थी? ऑन कैमरा पूछना जरूरी है? हाँ, नहीं नहीं भाई, जवाब पूछनी है, ये क्या बात है? नहीं 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 भाई, फैंस भी जानना बड़ा पसंद करेंगे, और आपकी खास तौर पे जो लड़कियां हैं वो भी कल से अपने आप को कवर अप करें कि कहां से ताड़ती हैं आप उनको, तो ऑफ कोर्स गंदी गंदी बातें ना करवाओ मुझसे यार, ये गंदी बातें, सॉरी इसमें कोई गंदी बात नहीं। नहीं नहीं, मैं तुम्हारे सारे मतलब समझ रही हूँ, ये तुम्हारी आंखें जो ना ये बता रही है मुझे, मेरी आंखें क्या बता रही है? कुछ भी नहीं, ये तुम्हारी स्माइल बता रही है, सारा कुछ बता रही है, यार कैसा होश रखा हुआ आपने, कैसी बातें कर रहे मैंने, मैं बहुत शरीफ होश हूँ और मैं सच बोलता हूँ, और क्या ताड़ती है लड़कों में, लड़कियों में एक बताएं, आप शरीफ हैं आप होस्ट हैं, इनमें से कोई एक चीज सेलेक्ट करें। मैं होस्ट, शरीफ होस्ट हूं। गुड आंसर। लड़कियों में क्या ताड़ती हूं, प्यारी है, बाल लंबे हैं, आइस कैसी हैं, चाल कैसी है, चाल किस टाइप की आपको देखती है? ये ना तुम अब तो बीप नहीं, ये तो ये बीप वाले सवाल आ रही होते हैं, नहीं यहां पे बीप वो मुझे टू नहीं हो जाती, वो है यहाँ पे बस। अच्छा, आपकी स्कूल लाइफ में कोई बॉटल्स वाला सीन हुआ था, वो क्या था? कॉलेज लाइफ में थोड़ी सी, मैं शायद स्कूल और कॉलेज में कंफ्यूज था, मुझे जिसने खबर दी उसको भी पकड़ूंगा कि कॉलेज और स्कूल में कंफ्यूज मुझे क्यों किया। पहले तो मुझे बताओ खबर किसने दी, पहले मैं उसको पकड़ूंगी। आप ही ने दी थी, मैं नहीं बता सकता, सॉरी। मैंने बताया था वो कबूतर जा टिक जा 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 टिक जा, वो ये सीन था कुछ के हम लोग कॉलेज में, हमारा ये सीन होता था कि वो बॉटल्स होते थे ना 7 अप या कोक की, तो उस पर कैंटीन में जाते थे, तो वो जब कोक खाली बोतल वापस करते थे उस पर सिक्योरिटी मिलती थी,
तो हम फ्रेंड्स पूरे कॉलेज का राउंड लगाकर और सारे कॉलेज से बॉटल्स इकट्ठे करते थे और ढेर सारी बोतल लेके जाके कैंटीन वाले को देते थे, ये ले अंकल बोतल खाली मिल गई, हमें सिक्योरिटी थी, हमें पैसे थे, हम पैसे लेते थे और मजे करते थे। जितनों के पैसे गए हैं ना इन्होंने लिए, याद रखिए आप देख लिए पकड़ लीजिए इनको, ये अभी इस वक्त हमारे साथ फूड लॉट में, तो आ जाइए इनके पास। आप क्या करवाना चाह रहे हैं यहाँ पे मेरे साथ? हमला करवाना चाह रहे, सबके पैसे वसूल होने चाहिए। ये आप मुझे यहाँ पे पैसा वसूली के लिए लेके बुलाया आपने मुझे यहाँ पे? मैंने पैसा वसूली के लिए नहीं, ये तो बाहर निकल है, तो मैंने कहा चलो उन बच्चों का भी भला हो जाए। वो बच्चे बच्चियाँ पता नहीं अब कहाँ गए होंगे, मुझे खुद नहीं पता, ना उनको पता कि मैं कौन हूँ, या शायद मुझे वो पहचाने भी ना, मतलब बहुत मोटी होती थी। अच्छा बहुत मोटी होती थी, आप देख लें, कह दिए इन्होंने मोटी होती थी, आप पतली हो गई, तो आ जाएं आप लोग, ये वही हैं जिनके जो पैसे लेके लूटती थी। अच्छा चलिए, ये तो रही बहुत सारी गपशप, इसी तरह चलती रहेगी हमारी गपशप इनके साथ। मुझे ये बताएं, कभी शादी का प्रपोजल आया या किया, फर्स्ट प्रपोजल किया या आया? मैंने किया नहीं कभी किसी को, मैं क्यों करूँ भाई, ऐसे की तैसी। सुन लो, किया नहीं है, अपना एक स्वैग है, मैं क्यों करूँ।